महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए पाबंदी का विरोध गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। इस दौरान शहर के संविधान चौक पर काली फीत लगाकर सरकार के विरोध में नारे भी लगाए गए। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में कड़े नियम लगाए हैं, जिसमें वीकेंड लॉकडाउन भी शामिल है। सरकार ने कहा कि शनिवार और रविवार को शहर की सभी दुकानें बंद रहेगी, मगर बाकी दिन भी दुकानें बंद रखने के आदेश स्थानीय प्रशासन की ओर से दिया गया, जो राज्य सरकार की नियमावली पर दिए है। सरकार के इस निर्णय से शहर के व्यापारी रास्तों पर उतर आए है। सरकार के इस निर्णय के विरोध में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए की अध्यक्षता में हुए इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर कानूनी गुनाह दाखिल करने की मांग की है। सरकार ने 14 महीने का कार्यकाल मिलने के बावजूद भी, और सरकार को ये मालूम था कि दूसरी और तीसरी वेव आने वाली है, उसके बावजूद भी आरोग्य व्यवस्था को सरकार ने मजबूत करने का काम नहीं किया। कोई बेड नहीं बढ़ाए, वेंटिलेटर नहीं बढ़ाए, और जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, नागपुर में रोज 70 लोग मर रहे हैं, ये किसकी जवाबदारी, कौन जवाबदार इसके लिए? आज रास्ते पे लोग मर रहे हैं, कल रास्ते पे लोग मरेंगे, बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, ये जवाबदारी किसकी थी? तो सरकार की थी। इसलिए सरकार इन चीज़ों को जवाबदार है करके सरकार के ऊपर मनुष्य वध का गुनाह दाखिल होना चाहिए, ये हम डिमांड लेकर खड़े हैं। तीसरा, हमने बार बार 14 महीने से कहा है कि इलेक्ट्रिक बिल के बारे में सरकार ने 5000 करोड़ से ज़्यादा वसूली कर ली, अवैध बिल दिए, अवैध वसूली की, साहूकारों जैसे किसानों के कनेक्शन काटे, घर के कनेक्शन काटे, कोरोना के संक्रमण में कहा कि हम माफ़ी करेंगे, झूठ बोले। इसलिए सरकार साहूकारी है, साहूकार से भी गलत व्यवहार करने वाली है, इसलिए सरकार पर साहूकारी गुना दाखिल करना चाहिए। ये तीन कलम के अंदर, एक तो साहूकारी कलम, दूसरा मनुष्य वध का गुना, और तीसरा सरकार ने झूठ बोलना 420, ये तीनों कलम के अंदर गुना दाखिल होना चाहिए। इसलिए हम ये संविधान चौक पर महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के इस भूमि पर हम आए हैं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पानसे, BC News नागपुर।